हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम संदीप सिंह, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो ही उसके साथ साथ डीएसएसबी में, केवीएस में, उसके साथ साथ सीपीओ, एसआई और हर एक एग्जाम में लगभग लगभग इसके एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन का मतलब कि दो नंबर, और बाकी सारे एग्जाम जिसमें एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा उसमें भी ये टॉपिक आपका पूछा जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है क्लॉक। क्लॉक का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में एक इमेज आती है क्लॉक कि क्लॉक क्या है, तो सिंपल सा फंडा क्या कहते हैं कि सर एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें कुछ इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे। तो क्लॉक का मतलब क्या है? क्लॉक का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या हो, एक डायल हो। डायल मतलब, ठीक है, तो क्लॉक क्या है? क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक डायल हो, उस डायल पे 1 से लेकर 12 तक या तो न्यूमरल फॉर्म में या तो रोमन फॉर्म में क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, ठीक है। जिसके साथ साथ इसमें 3 नीडल्स भी होती हैं जिसको आजकल हम लोग हैंड्स ऑफ क्लॉक भी कह देते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे छोटी आर की नीडल, उससे थोड़ी सी बड़ी मिनट की, उससे थोड़ी सी बड़ी सेकंड की सुई होती है, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉक का नाम आता है हमारे दिमाग एक इमेज आएगी क्या कि क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक डायल होता है, उस डायल पर 1 से लेकर 12 तक या तो न्यूमरल फॉर्म में या तो रोमन फॉर्म में क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं या अंक होते हैं। उसके साथ साथ इसमें 3 सुइयां भी होती हैं, ठीक है, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक कहते हैं, मतलब घड़ी के हाथ, जिसमें सबसे छोटी सुई घंटे की, उससे थोड़ी सी बड़ी मिनट की है और उससे थोड़ी सी बड़ी सेकंड की सुई होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका दिमाग अगर कोई आपसे बोले कि क्लॉक क्या है, तो आप सिंपल सा फंडा बताएंगे कि कैसा इंस्ट्रूमेंट समय बताने का काम तो करता ही करता है, उसके साथ साथ क्या है कि कैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक डायल होगा, उस डायल पर 1 से लेकर 12 तक न्यूमरल फॉर्म में, आंकिक रूप में या फिर रोमन फॉर्म में, जो रोमन पद्धति में अंक लिखे जाते हैं उस फॉर्म में या उसके साथ साथ डिजिट्स हो सकती हैं, उसमें 3 नीडल्स मिलेंगे आपको जिसमें सबसे छोटी घंटे की सुई, उससे थोड़ी सी बड़ी मिनट की सुई, उससे थोड़ी सी बड़ी सेकंड की सुई होती है। कहानी समझ में आ गई? तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि क्लॉक में बेसिकली आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लॉक में बेसिकली 3 टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है टाइप नंबर 1, जिसको हम कहते हैं प्लेसिंग ऑफ अल्फाबेट ऑन द डायल ऑफ क्लॉक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं घड़ी के अंकों के स्थान पर अक्षरों को प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो पहला टाइप क्या कह रहा है कि घड़ी के अंकों के स्थान पर अक्षरों को प्रतिस्थापित करना। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि घड़ी का जो डायल है उस डायल पे 2 डिजिट पे इन्होंने सी को प्लेस कर दिया और 3 डिजिट पे इन्होंने ई को प्लेस कर दिया। एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जिसमें घड़ी के 2 डिजिट पे इन्होंने 3 को प्लेस किया और 3 डिजिट पे किसको प्लेस किया, ई को प्लेस किया, और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि 1 डिजिट पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग याद है, ठीक है, जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में आपको याद कराया था, ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग याद है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हार्डली 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग नहीं याद है वो लोग एक बार ए से लेकर जेड तक लिख के बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग 2 तरीका देखेंगे, देखते हैं किससे आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन की कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक घड़ी का डायल है, इस डायल पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं और इस पे अल्फाबेट्स हैं
कि टू डिजिट पे उन्होंने किसको प्लेस किया, सी को, और थ्री पे किसको प्लेस किया, ई को, और आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि डिजिट वन पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए इनको सॉल्व करने का एक फंडा है। फंडा क्या है जरा वो देखिए, कि सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जा रहा है उसमें क्वेश्चन किस ऑर्डर से इसकी प्लेसिंग कर रहा है। ऑर्डर का मतलब क्रम, इसका क्रम दो हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉक हिंदी में कहते हैं वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या याद रखना है, सेकंड थिंग आपको याद रखना है अरेंजमेंट, व्यवस्था, कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो अरेंजमेंट है वो ए टू जेड है या फिर जेड टू ए। ठीक है, सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, गैपिंग बिटवीन लेटर्स, कि एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में कितने लेटर का गैप है। अगर इन तीनों में से आप एक भी चीज भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आपका कभी नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो आपका आंसर डैम श्योर है कि वो रॉन्ग होगा। अब आप कहेंगे सर कि ये ऑर्डर, अरेंजमेंट और गैपिंग, इस जो एग्जांपल आपने दिया हुआ है, इस एग्जांपल पे हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले उसका तरीका समझते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि ऑर्डर हमेशा डिसाइड होगा किससे, दिए गए डिजिट से, दिए गए डिजिट से क्या डिसाइड होगा, इसका ऑर्डर डिसाइड होगा। और सेकंड थिंग, अरेंजमेंट और गैपिंग ये पता चलेगा आपको दिए गए अल्फाबेट से। ठीक है, तो क्या पता चला कि अरेंजमेंट और गैपिंग ये दोनों चीज पता चलेगी अल्फाबेट से, और ऑर्डर आपको पता चलेगा किससे, डिजिट से। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन को हम कहां से कहां तक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक सॉल्व होगा या 12 से लेकर 1 तक सॉल्व होगा, पहले ये समझना है। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि 1 से लेकर 12 तक चलना है या 12 से लेकर 1 तक चलना है। ठीक है, शुरुआत कहां से करनी है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली डिजिट क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन में सबसे पहले डिजिट लिखी हुई है 2। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग करनी है 2 से। चलिए भाई, अगर स्टार्टिंग 2 से करनी है तो अब इसके बाद की जो डिजिट होगी वो ध्यान रखना आपको कि वो हमेशा होगी कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब जैसे 2 दिया हुआ है तो 2 के बाद अगली डिजिट या तो यहां पे 1 हो सकता है या तो यहां पे 3 हो सकता है। आप देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद लिखा हुआ है 3। अगर 2 के बाद 3 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस ऑर्डर से, क्लॉकवाइज। समझ में, 2 के बाद अगली जो डिजिट होगी उसी से पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर। नाउ कम्स टू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए सी के बाद क्या दिया हुआ है, ई। अब बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड चलने पे सी के बाद ही आता है या फिर जेड टू ए चलने पे, तो आप कहेंगे नहीं सर, ए टू जेड चलने पे सी के बाद ई आता है। फोटो क्लियर। अब आते हैं गैपिंग, बताइए सी और ई के बीच में कितने लेटर का गैप है, सी और ई के बीच में एक लेटर का गैप है। तो आई फिर से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर कैसे पता चला। हमने देखा पहली डिजिट क्या दी गई थी, 2 दी गई थी, 2 के बाद क्या लिखा हुआ, 3। अगर 2 के बाद 3 है इसका मतलब कौन सा ऑर्डर है, क्लॉकवाइज। फिर इसका सेकंड थिंग, अरेंजमेंट चेक करना है, सी के बाद ई दिया हुआ है, सी के बाद ही ए टू जेड चलने पे आता है, इसलिए अरेंजमेंट कौन सा है इसमें, ए टू जेड का। नाउ कम्स टू गैपिंग, सी और ई के बीच में कितने लेटर का गैप है, सिर्फ और सिर्फ एक लेटर गैप है। इसका मतलब अगर 2 पे सी है, 3 पे ई है, डी का गैप करके ई आया, फिर उसके बाद एफ का गैप करके जी कहां पे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज अगर चलना है तो जी लिखा जाएगा किस पे, 4 पे। ये सबसे बेसिक तरीका सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जी के बाद एच का गैप किया आई, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और फिर उसके बाद वाई। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा सर वाई। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आपका कभी एग्जैक्टली सही आंसर नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो फिर से चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या चीज देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर, फिर उसका क्या देखना है अरेंजमेंट, और फिर उसका क्या देखना है गैपिंग। ऑर्डर किससे पता चलेगा, सर फिर से बोलिए, ऑर्डर किससे पता चलेगा, दिए गए नंबर से। अरेंजमेंट किससे पता चलेगा, दिए गए अल्फाबेट से। गैपिंग किससे पता चलेगी, दिए गए लेटर से। बोलिए एक एग्जाम्पल और देखें,
अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग, जो कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में आपको पहले ही बताया हुआ है। आप लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन देख के आप उस वीडियो के थ्रू इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे रैंकिंग से सॉल्व करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अब बताइए सभी लोग, टू पे क्या लिखा हुआ है, सी, सी की रैंकिंग कितनी होती है 3, बोलिए, और 3 में क्या लिखा हुआ है, ई की रैंकिंग कितनी होती है 5। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर +2 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करते चले जाना है और उसके बिहार पे एक लेटर कहीं नहीं लिखना, सिर्फ जिस डिजिट पे आपसे पूछा गया है लास्ट में उसी पे आके अपना लेटर लिख देना है। कैसे, 3 + 2 = 5, काउंटिंग करिए 5 + 2 = 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि 25 डिजिट पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहेंगे सर 25 पे आता है वाई, आपका आंसर वाई। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। अगला क्वेश्चन 8 पे दिया गया है W, 9 पे दिया गया है T, और आपसे पूछा है भैया बताओ 4 डिजिट पे कौन सा लेटर आएगा। एक एग्जांपल और आपके सामने आया है, क्या बोला गया, 8 डिजिट पे W है, 9 पे आपका आ रहा है T, और आपसे पूछा गया यू हैव टू फाइंड आउट विच लेटर अपीयर ऑन डिजिट 4। आपको 4 डिजिट पे पता करना है कौन सा लेटर आएगा। तो चलिए फिर से चेक करते हैं, फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर, और ऑर्डर किससे पता चलेगा, नंबर से, अल्फाबेट से। तो आप कहेंगे सर नंबर से, तो नंबर देखिए शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत हुई है 8 से। अगर 8 से शुरुआत हुई है तो आपको यह देखना है कि इसके बाद कौन सी कंसेक्यूटिव डिजिट वहां पे यूज की गई है। तो 8 के बाद यहां क्या लिखा हुआ है 9, अगर 8 के बाद यहां 9 लिखा हुआ है कौन सा ऑर्डर, आप कहेंगे सर फिर से कौन सा ऑर्डर है, क्लॉकवाइज। तो चलिए भाई लिख लिया जाए कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर है क्लॉकवाइज। अब आते हैं अरेंजमेंट पे, चलिए W के बाद दिया गया है T, W के बाद T, बताइए किस ऑर्डर से है, A to Z या Z to A। तो आप कहेंगे सर अरेंजमेंट इस बार A to Z नहीं Z to A का है। W के कंपैरिजन में T की पोजीशन पहले या बाद में, तो आप कहेंगे सर पहले, अगर पहले तो कौन सा ऑर्डर हुआ Z to A का सीक्वेंस हुआ। नाउ कम्स टू गैपिंग, W और T के बीच में U और V, दैट मीन्स 2 लेटर का गैप भी है। इस बार आपको रिवर्स चलना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। 8 पे दिया गया W, 9 पे दिया गया T, गैप कितने लेटर का, 2 लेटर का, फिर से T के बाद 2 लेटर गैप करेंगे तो लेटर 10 पे आएगा क्या, Q। उसी तरीके से 11 पे क्या होगा, N, 12 पे क्या होगा, K, फिर H, अगेन E, फिर उसके बाद B। अब B के बाद आपको 2 लीटर का गैप करना है, B के पहले क्या आता है A, और उसके पहले क्या आ जाएगा फिर से Z, जैसे Z के बाद दोबारा से A आता है वैसे ही A के पहले फिर से क्या आ जाएगा Z। तो A और Z का गैप कर दिया 4 डिजिट पे, कौन सा लेटर आया, Y। ठीक है, कहानी अब कुछ क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी, एग्जैक्टली। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और देखते हैं इस कंसेप्ट को पूरा फाइनल करते हैं। चलिए भाई सभी लोग चेक करिए, 3 डिजिट पे लेटर दिया गया B, 2 डिजिट पे लेटर दिया गया F, और आपको फाइंड आउट करना है डिजिट 8 पे कौन सा लेटर आएगा। आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है 2007 में, काफी पहले पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जिसको रैंकिंग आया है, जिसको रैंकिंग याद है शायद उसका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि मैंने कहा था मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगेगा। जिनको रैंकिंग नहीं याद है बेसिक अप्रोच से, आइए इसका तरीका देखते हैं किसका आंसर बनेगा क्या। स्टार्टिंग किस लेटर से हुई, स्टार्टिंग हुई है सर बी लेटर से, और वो कौन से डिजिट पे अपीयर था, वो अपीयर था 3 पे। अब 3 के बाद बताइए अगली डिजिट क्या आ जाएगी कंसेक्यूटिव, पहले या बाद में, 3 के पहले क्या लिखा हुआ है 2, अगर 3 के बाद 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सा ऑर्डर। तो इस बार आप कहेंगे सर इस बार कहानी उल्टी हो गई, इस बार कौन सा ऑर्डर है, इस बार ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं अरेंजमेंट, बी के बाद क्या दिया हुआ है एफ, अगर बी के बाद एफ है तो ए टू जेड का सीन या जेड टू ए का सीन,
तो आप कहेंगे नहीं सर, ए टू जेड का सीन है। बोलिए अब आते हैं जरा गैपिंग देखने पे। बी और एफ के बीच में कितने लीटर का गैप है भाई? बी और एफ के बीच में 3 लीटर का गैप है। 3 लीटर का गैप है और चौथा लीटर है। चौथा लीटर बोले या 3 लीटर का गैप बोले, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए अगर 3 पे दिया गया है बी, 2 पे दिया गया है एफ, तो चलिए फिर से 3 लीटर गैप करिए, एफ के बाद 3 लीटर का गैप करके जे, फिर उसके बाद एन, अगेन आर, फिर वी, वी के बाद जेड। अब बताइए पता किस पे करना था? पता करना था मुझे 8 पे। इसका मतलब जेड के बाद दोबारा से एबीसीडी शुरू होगी और 3 लीटर का गैप करके क्या जाएगा? टी। बताइए भाई क्या इन तीनों क्वेश्चन से प्लेसिंग ऑफ अल्फाबेट ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक का फंडा आपको क्लियर हुआ? तो आपको दिख रहा है कि सर इसकी प्लेसिंग करने के लिए मुझे इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है, जो कि आपको बहुत रेयर कभी किसी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आप अगर एक भी चीज को स्किप कर लेंगे तो इसको अपने हमेशा ध्यान रखेंगे। यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि ऑर्डर, अरेंजमेंट और गैपिंग, अगर इन तीनों में से आप एक भी चीज स्किप कर देते हैं तो आप प्लेसिंग ऑफ अल्फाबेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि डायल ऑफ क्लॉक का मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे घर पे, अब कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव डिजिट पे कुछ भी आप लिख लीजिए और उसके बिहाफ पे आप उसको सॉल्व कर करके इस फंडे को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? क्लॉक का टाइप नंबर 1, प्लेसिंग ऑफ अल्फाबेट ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेजेस बेस्ड ऑन क्लॉक। इमेजेस बेस्ड ऑन क्लॉक क्या होगी कि क्लॉक में घड़ी में कुछ एक टाइम बताया होगा और आपसे कहेगा इसको अगर इमेज बनाए तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज भी कैसे कैसे होंगी, कितने पार्ट्स होते हैं इमेज में, वो भी हमें समझना है, लेकिन आज नहीं, आज के अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर शुरू करते हैं क्लॉक का सेकेंड पार्ट, इमेजेस बेस्ड ऑन क्लॉक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, कुछ यूजफुल लगा हो, कुछ फ्रूटफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ इस रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ डाइट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए थैंक यू।